एक ही लाइसेंस पर दो जगह चल रही है बियर की दुकान। खबर एक गुंडा जनपद की इटिया तोप थाना क्षेत्र की, जहां एक ही लाइसेंस पर दो जगह बियर की दुकान खोलने का मामला प्रकाश में आया है। बियर की दुकान बहलोलपुर के नाम से बहलोलपुर व परासराय दोनों स्थान पर संचालित हो रही है। वहीं जो दुकान बहलोलपुर में संचालित हो रही है वह बेसिक स्कूल के पास और मंदिर के पास संचालित हो रही है, जिससे ग्रामीणों में उसके प्रति आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में एवीपी की कार्यकर्ता सचिन कुमार मिश्रा ने बताया कि इस दुकान को हटाने के लिए कई बार आबकारी विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक दुकान को हटाया नहीं गया है। यदि दुकान को यहाँ से शीघ्र ही स्थानांतरित नहीं किया गया तो एवीपी कार्यकर्ता आंदोलन के प्रति बाध्य होंगे। वहीं इस संबंध में दुकान के मैनेजर से पूछा गया कि एक लाइसेंस पर दो दुकानें कैसे चल रही हैं, तो उन्होंने बताया इस संबंध में आबकारी विभाग के बीओ ही बता सकते हैं कि वह दो दुकान क्यों संचालित करवा रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट है कि विभागीय मिलीभगत से यह कार्य किया जा रहा है। वहीं जन चर्चा है बियर की दुकान पर अन्य शराब की बिक्री व गांजा भी बेचा गया है। दिखेटिया तो से पवन कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। गुंडा से हूं जी। यहाँ ये बियर की जो ठिकी है, हाँ। बगल में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बगल में मंदिर है, यहाँ महिलाएं आती जाती हैं तो अभद्र भाषाएं का प्रयोग होता है, गाली गलौज लोग देते हैं, बैठ के पीते हैं। मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये दुकान यहाँ से हटके कहीं अलग जाए, ये दुकान यहाँ से हटके जाए, आने वाले बच्चों की भविष्य, यहाँ विद्यालय है, मंदिर है, फैमिली आती जाती है, परिवार आते जाते हैं, तो ये दुकान यहाँ से हटके अलग कहीं जाए। ठीक। विद्यार्थी परिषद गोंडा से हूँ जी। यहाँ ये बियर की जो ठिकी है, हाँ। बगल में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बगल में मंदिर है, यहाँ महिलाएं आती जाती हैं तो अभद्र भाषाएं का प्रयोग होता है, गाली गलौज लोग देते हैं, बैठ के पीते हैं। मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये दुकान यहाँ से हटके कहीं अलग जाए, ये दुकान यहाँ से हटके जाए, आने वाले बच्चों की भविष्य, यहाँ विद्यालय है, मंदिर है, फैमिली आती जाती है, परिवार आते जाते हैं, तो ये दुकान यहाँ से हटके अलग कहीं।